क्या बात है यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे साथ आए हैं मेरे ख्याल मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स, बहुत ही कमाल के सिंगर, कमाल की कॉमेडी करते हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, द वन एंड द ओनली सुदेश लहरी जी। क्या बात है, क्या बात आई है, बहुत अच्छा। अरे अरे क्या बात, नहीं नहीं क्या, अरे क्या बात है, बहुत अच्छे लगे। अरे कितना कहना मानते हैं आपका। नहीं नहीं सर, वो बुजुर्गों का हम स्वागत आशीर्वाद से करते हैं। नहीं नहीं मतलब बड़े लोगों का आशीर्वाद। लेकिन सुदेश जी, आज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ और जितने भी देखने वाले हैं, सुदेश जी जो हैं इन्हें मैंने नहीं बुलाया, नहीं मतलब आप गलत मत समझना इस बात को, इन्हें मैंने इन्वाइट नहीं किया, इन्हें आप लोगों की डिमांड पे बुलाया गया। सर मैं आपको बता रहा हूँ, गोविंदा सर का एपिसोड आया, कृष्णा का एपिसोड आया और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और वो कमेंट्स में बार बार एक बात आ रही थी, सुदेश लहरी जी कब आ रहे हैं। सो सर दिल से थैंक यू सो मच, सब आपका प्यार है और मैंने देखे हैं आपके शो पर, हाँ, मजा आ गया। गोविंदा जी का देखा, हाँ, कृष्णा का देखा, कृष्णा को देखकर तो इतनी जेलसी ना, मतलब मैं आपको मतलब उसका जो देखा घर पे बातें होगी, वो बीवी मतलब है आपको नहीं बुलाया, आपकी नहीं बनी बनाई, नहीं ऐसा नहीं होता, जब मौका मिलेगा तो बुलाएंगे, फिर मैंने खुद ही फोन कर लिया। लेकिन चलो अच्छा है, बहुत अब अच्छा हो गया है एंड आपकी वाइफ जो है वो भी बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे जानना चाह रहा था, देखिए बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते हैं, एक बार फिर से बता दूँ कि सुदेश जी जो इतने कमाल के कमेडियन हैं, इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं, इतने कमाल के एक्टर हैं और कमाल के सिंगर हैं, यार ये पढ़ लिख नहीं सकते सर, तो क्या ये बचपन में गलत पढ़ाया गया था, ये मैं थोड़ा माजरा जानना चाहता हूं। आपने बोला ये पढ़े लिखे नहीं तो कैसे मुझे कोई पढ़ाएगा गलत सही। तो मतलब ये था कि उस वक्त हालात ऐसे थे, माहौल ऐसा था कि गरीबी इतनी ज्यादा थी कि मतलब उस वक्त मैं जब छोटा था तो एक होता ना कि माहौल ऐसा था, तो मैं छोटी छोटी दुकानों पे काम करता था, कितने कारखानों में काम किया, कितनी चाय वाली दुकानों पे काम किया। चाय वाली दुकानों में काम किया मैंने, किया जी मैंने, मैं सब बना लेता हूँ, चाय बना के दिखाऊंगा अभी। क्या बात है, मतलब आपको पहले पता था जो चाय की दुकान पे काम करते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। ये तो सही है क्योंकि वही ना, अंदर एक जज्बा होना चाहिए काम को। मैं चाय की दुकानों पर काम करता था और घर पे ऐसे हालात, घर पे कई बार चाय भी नहीं बनती थी, लेकिन चाय वाली दुकान पे जब मैं काम करता था, ये सच बता रहा हूँ, उसमें कोई वो नहीं है बताना, तो फिर खुल के बताऊंगा ना, दिल खोल के। मैं चाय वाली दुकान पे काम करता था तो जब कारखानों में चाय देने जाता था, मैं छोटा, मेरे पास चप्पल भी नहीं होती इतना, यानी कि ऐसे कप एक चार कप इधर केटल, तो ऐसे जाना देने देने। अब मुझे पता है घर पे जाके तो चाय मिलनी नहीं, तो चाय ये मैं नुक्कड़ पे जाके ना गली में एक कप लेना, उसमें चाय डालनी है ना, पी के उसको कपड़े से साफ करके फिर कारखाने में दे जाता था। तो मतलब ये हालात थे, कभी कभी हलवाई मैं तो सारी बर्फी समोसे ये वो सारा मैंने बहुत काम, चप्पल वाले कारखाने में, पेचकस के कारखाने में मैंने बहुत काम, कुल्फियां बेची हैं। जब मैं कुल्फी बेचता था ना तो ऐसे रेडी होती हैं, भेजता एक कुल्फी खोए दी रेडी लोए दी, फिर मैं सब्ज मंडी में काम करता था, आम तो शहरी खाएंगे शहरी। अच्छा सर कुल्फी में तो नहीं करते थे, कुल्फी को एक बार ऐसे करके फिर वापस डाल देते थे, इतना भी नहीं। लेकिन सर क्या बात है, मतलब ये बात एक्चुअली मुझे पता नहीं थी, आपने इतनी स्ट्रगल से शुरुआत करी है। हाँ लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छी बात होगी मेरे साथ, हाँ, कि जो मैंने वो काम किए हैं, क्योंकि हमें पता, मतलब आपको पता हमने कौन से एक्टिंग के कोई कोर्स किए हैं, हाँ, या करेंगे, है ना, इतना, हाँ, है ही नहीं, वो एक्टिंग हो गई, हाँ, कुल्फी बेच रहे हैं तो हमें कुल्फी बेचने की एक्टिंग की, कोई चाय वाली दुकान पे सब्जी, तो वो एक एक्टिंग तो थी, तो वो, हाँ, करते करते आज वो समझो कि प्रैक्टिकल हो गया, आज रिक्शा, हाँ, भी चलाना पड़े तो मैं बड़े आराम से चला। पर सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतने सारे अलग अलग किरदार निभा लेते हैं यू नो, और अलग अलग तरह की आवाजें निकाल लेते हैं, तो कहीं ये आपका जो बचपन रहा वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हो गया, वहीं से कितना कुछ सीखा, कितने कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और उन्हीं को आप पर्दे पे लेके आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हाँ, कि मैं ऑर्केस्ट्रा करता था शादियों के शो, अच्छा, क्योंकि मुझे गाने का शौक था ना, हाँ, सिंगर था, तो वहाँ पर जो लोग मिलते थे, जैसे साउंड वाला है वो कैसे बोलता है ना, तो अगर कोई एंकर है तो वो कैसे कैसे बोलता, तो मैं उनकी नकल करता रहता था। तो जब गाने गाता था, उस वक्त गाने होते थे स्टेज पे, मैंने पहली बार जब गाना गाया था तो किशोर कुमार जी गाना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी स्टेज पे, तो मुझे वो ही होता था, मैं वैसे ही करूं, डांस करूं, एक्टिंग, छोटा था बहुत लेकिन मैं करता था। फिर शबीर कुमार साहब आ गए, मोहम्मद अजीज, इनकी आवाज़ें, फिर गुरदास मान, तो आवाज़ें वो एक मिमिक्री करते करते वो भी एक
अंदर आ गई, लोगों ने ये पसंद किया, मुझे पता चल गया कि नहीं यार ये गाना नहीं, मेरी मिमिक्री पसंद करते, मैंने वो करनी शुरू कर दी। तो वो करेक्टर ऐसे देख देख के मुझे बहुत वहां से मिला। क्या बात है, लेकिन एक बात जो मेरे ख्याल सुन के एक्चुअली मेरा दिल जो है बहुत दहल गया था, वो ये है कि अभी आपने खुद ही बताया कि आपने बहुत ही यू नो हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत करी, पैसों की कमी, तंगी, लेकिन इतनी तंगी थी सुदेश जी के यहाँ कि इनके पास चप्पल की एक जोड़ी भी नहीं होती थी, सिर्फ एक सिंगल चप्पल हुआ करती थी। वो एक वक्त, एक ऐसे हालात जब होते हैं ना, समा जब कहते ना, जब बुरा समा आता है तो वो कोई भी साथ नहीं देता, वो आके ही रहना है। अगर आपके साथ बुरा होना है समा तो वो आना ही आना है। वो एक टाइम ही ऐसा था कि मतलब किसी के घर पे गया और लाइट तक नहीं जल रही, अंधेरा, लाइट गई होती थी पंजाब में काफी, तो वहां पे मैंने देखा कि चप्पल पड़ी हुई है सर। तो मैंने सोचा कोई नहीं है, चुरा लूं मैं, एक अभी चुराई, लाइट आ गई। यार लेकिन मुझे सुदेश जी की बात माननी पड़ेगी। देखो यही होता है, ह्यूमर जो है ना वो लाइफ में बहुत हेल्प करता है। इतनी मुसीबतें देखी, सब कुछ देखा, लेकिन किस तरह हर बात को एक हंसी के साथ लेके जिंदगी में आगे बढ़ना, आई थिंक यार ये जज्बा बड़ा कमाल का सर। ये पी सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, चाय। मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं बहुत सारे शो किए हैं, जहाँ भी जाता हूँ पानी तक नहीं पूछते यार, मुझे पता नहीं क्या है, क्या उनको पहले पता चल, लेकिन आपने मेरे आगे चाय रखी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा मतलब आप इतना प्यार करते हैं, मैं सर प्यार व्यार के नहीं, एक्चुअली हमारा ही मग है ना, उसमें फोटो मेरी लगी हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं पानी नहीं दिया, उसमें प्लास्टिक, उसमें फोटो नहीं है ना देखिए, इसलिए ये मैंने अपने लिए रखा है, आपको पीते रहिए कभी भी। अच्छा वैसे अगर मैं पूछूं सुदेश जी, पहली बार आपको स्टारडम की फील कब आई थी, यू नो कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई जब आपको लगा यार स्टार बन रहा हूँ अब मैं? मुझे शुरू से शौक था कि जैसे फिल्में देखते थे हम, मैं चार चार फिल्में देखता था थिएटर में। क्या बात कर रहे हैं, बचपन में 1 रुपया 10 पैसे टिकट होती थी जी, और पैसे होते नहीं थे, गरीबी, फिल्म देखनी देखनी है। हाँ। तो मुझे याद है, आज भी याद है कि वो फिल्म उस वक्त शंकर शंभू मूवी आई थी। हाँ हाँ। तो 1 रुपया 10 पैसे टिकट है, और मैं ऐसे क्या करते थे कि दिमाग तो भी ऐसे लाइन में जो टिकट मिलती थी तो मैं बोलता किसी, सर 10 पैसे हैं मेरे पास, कम है, तो वो 10 पैसे दे दे, फिर दूसरे के पास 10 पैसे कम हैं देंगे, तो मैं उनको लगता था 1 रुपया होगा, 10 पैसे छुट्टे नहीं है, तो उनसे इकट्ठे कर करके फिर मैं टिकट ले लेता था। बात है यार, अरे तो अंदर वो था कि फिल्में देखनी, चार फिल्में, बल्कि साइकिल पे जाना, वो भी किराए पे साइकिल, साइकिल भी 50 पैसे जैसे, ये बाद की बात है, काफी देर बाद की बात है, साइकिल किराए पे लेना, फिल्में देखने जाना, सुहाग फिल्म, ऐसी ऐसी फिल्में होती थी, धर्मवीर, तो ये फिल्में देखने जाना, ऐसे करते करते ना अंदर एक चीज आ गई कि हमें पता भी नहीं होता कि हम एक्टर हैं, अंदर कुछ चीज़ है, लेकिन हमें होता है ऐसा ही हो। तो फिर मैं काफ़ी देर बाद, उसके बाद मैं वैष्णो देवी गया, वहाँ पर जाके देखा तो हेमा जी वहाँ पे आए हुए थे माथा टेकने, फिर आदित्य पंचोली, फिर और ऐसे वहाँ पे कलाकार, तो उनके लोग फोटो ऑटोग्राफी हो, तो मैं ऐसे देख रहा था यार ऐसे हमारे साथ क्यों नहीं, भाई तू है कौन, कुछ भी नहीं। फिर मैं अपने दोस्तों को बोला यार कैसे ना मैं इधर जाऊँगा, तुम लोग ही मुझे घेर लेना। उस वक्त कैमरे होते थे, मोबाइल वगैरह होते नहीं, तो वही सर एक फोटो, सर एक फोटो, मैं कहा यार प्लीज यार ये वो, तो दूसरे बेचारे बुजुर्ग आ गए, एक एक में मेरी भी, वो भी खिंचवा के चले गए, कहते कौन है, कहते मेरे दोस्त है, तो हमें क्यों बताया, कहता हमने कहा था। तो हम ऐसे अपने शौक पूरे करते थे, तो ये मतलब अंदर एक वो चीज थी लेकिन हो नहीं रही थी। फिर मुझे लगा, फिर मैंने एक बचपन में फिल्म देखी थी चला मुरारी हीरो बनने, वो असरानी साहब की, जी जी जी, तो वो दर्जी ऐसे होते हैं, मुझे मतलब कि छोटा काम करते हैं, तो ऐसे उनके मन में ये होता है, तो मैं गई ये मैं भी तो ऐसा ही हूँ गरीब, तो मुझे भी बॉम्बे जाना चाहिए। हाँ। फिर उनकी फिल्म देखी, मेरे ऊपर वो एक चीज बनी, मैंने असरानी साहब को बोला भी था ये चीज एक बार शो। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बॉम्बे ऐसे कभी जाऊंगा, लेकिन अब सोच ही आती, कभी सोचा नहीं था कि कभी आएंगे। पर कब हुआ जब आपने कहा कि चलो यार अब मुंबई चला जाए? नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी तो मैं पंजाब में ही था, ऑर्केस्ट्रा करता था शादियों के। अच्छा, अच्छा पंजाब में ऑर्केस्ट्रा कर रहे थे, यू नो ये सब करते करते कब आपने वहाँ पे कुछ फिल्में करी या सिर्फ ऑर्केस्ट्रा करा, सिंगिंग में गए, क्या क्या जर्नी? ये एक मतलब बड़ी दर्दनाक कहानी अभी मैं आपको सुनाता हूँ। क्या बात, जो कई बार वो बुरी चीज़ से बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ, है ना। तो मैं ऑर्केस्ट्रा करता था, बड़ा खुश था, मुझे 1000 रुपया मिलता था एक शो का, 25-30 शो होते थे, हम बड़े खुश थे, मेरे बच्चे शादी हो गई। तो एक बार स्टेज पे मैं गाना गा रहा था, तो कोई शराबी आया उधर, भाभी है नहीं, भाभी है, सुन भाभी पे, एक बार गाया, दो बार गाया, फरमाइश होती,
उसने आगे थप्पड़ मारा, मेरा माइक वो गया इधर, तो मेरे को लगा ये क्या हो गया स्टेज पे थप्पड़ यार, दुनिया के सामने, दुनिया भी ऐसे कर रही है। और भाजी मेरी, मैं अंदर आ गया अपने कैबिन में, अंदर मेरे आंसू आ रहे हैं और मैं ऐसे बैठ गया हूँ, कौन हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मेरी ज़िंदगी है, मतलब मैं बड़ा परेशान हो गया। वो जो मेरे ऑर्केस्ट्रे वाले थे मेरे साथी, उन्होंने वो ड्रम सेट के होते हैं ना सर, ये निकाली है ये करके देखा, मैं ना ना कुछ ना कहना, वो जिनकी शादी पे गए थे उनकी बेटी की शादी, वो आगे बंदा कहता है मेरे पता नहीं कौन बंदे ये वो सारा, तो मुझे कुछ नहीं था, मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं इस ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ। मैं घर पर आ गया, अपनी वाइफ को बोला आज के बाद मैं ऑर्केस्ट्रा नहीं करूँगा, ख़त्म। तो कहते खाएंगे कहाँ से, क्या हो गया ये वो, मैं कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, अब नहीं करूँगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, जब तक मेरा नाम नहीं हो जाता, मैं जाऊँ एक सेलिब्रिटी की जरा जाऊँ। फिर मैंने कमेटियाँ होती हैं वहाँ पे, कमेटियाँ डालो खर्च पैसे उधार लो ये करो, फिर मैंने एक कैसेट करवाई जिसका नाम था उस वक्त साढ़े वरी आटा मुक्या, वो कैसेट करवाई और 15,000-20,000 मेरा खर्चा आया था, वो सुपर हिट कैसेट हो गई। फिर कैसेट से ऐसा सिलसिला चला, फिर वो और कैसेट टी सीरीज में वहाँ पे सारी कैसेटें आने लगी, फिर शो मिल गया मुझे अल्फा गड्डी जी पंजाबी पे, वो भी चल गया, वो बहुत बड़ा शो था अगर मैं गलत, वो मैं ही करता था, क्या मेरा भी बड़ा था क्या जैसे आप बड़े बड़े होते ना ऐसे मेरा वहाँ का बड़ा था। फिर पंजाब में जी टीवी है बड़ा फेमस उस वक्त, बड़ा ऐसा अभी भी है। तो चंडीगढ़ में कोई मुझे बुलाया, कहते ऐसे ऐसे ऑडिशन है एक शो है ये वो, तो मैं कहा ठीक है, मैंने ऑडिशन दिया, वो मुझे अल्फा गड्डी शो मिल गया वहाँ। ओके और मिल तो गया, मैं कहा मैं पैसे वैसे कितने मिलेंगे, वो कहते देखो पैसे मिलेंगे आपको 1500 रुपया पर एपिसोड, और एक दिन में दिल्ली में आकर आपने चार एपिसोड करने एक ही दिन में, वो क्रोमा लगा रही हो। तो मैं घर से ही कपड़े लेके आता था, बस में अमृतसर से चलना रात को, क्योंकि होटल में ठहरने के लिए जगह नहीं मिलनी, मुश्किल होगा, तो मैं रात को ही निकल जाता था। तो दूसरे दिन फिर वो देते थे रहने के लिए, तो 6,000 रुपये महीना मिलता था चार एपिसोड। तो मैंने कहा भाई ये क्यों, तो फिर उन्होंने मैं समझाया कि पैसे यहाँ से आपको बेशक कम मिलेंगे लेकिन आपको शो मिलेंगे। मुझे पता नहीं शो क्या होते हैं, हम तो प्रोग्राम बोलते थे, शो क्या होते हैं। फिर वाकई शो मिलने लगे, फिर मैं पूरी मतलब बहुत मेरा पासपोर्ट दो भर गए वहाँ पे, यहाँ मुंबई आने से पहले मैं पूरी दुनिया घूम चुका था, मतलब इतना बात है। मतलब आप फिर मतलब मेरे हिसाब से मुंबई आने से पहले ही पंजाब में ऑलरेडी सुपरस्टार थे, मेरा बहुत नाम था, और मैं वहाँ पर बहुत सारी पंजाबी फिल्में भी की थी, फिर मैंने वहाँ पे बहुत पैसा कमाया, मेरी कोठी बन गई, कोठी वहाँ पे कोठी होती है ना जिसके पास, तो कार होती है, मैंने कार ले ली फोर्ड फेस्टा, है ना। तो मैं सोचा कि अब हो गया, अभी एक कार हो जाए कोठी हो जाए स्टार, उसके बाद क्या, मुझे क्या पता था कि दुनिया कोई और है कहाँ है। फिर लाफ्टर चैलेंज आया पहला दूसरा, दूसरे में मुझे बुलाते रहे, मैं डरता था भी वहाँ पे, मुझे क्या पता था वैल्यू क्या है। फिर उसमें तीसरा जब आया तो फिर मैं मना कर दिया, फिर यहाँ से जो जाते हैं ना ऑडिशन ये वो मुझे पर्सनल मिले, उन्होंने मुझे बताया, लड़का था छोटा सा, उसने मुझे बताया कि एक गोल ऐसे गोला बनाया कागज़ पे, कहते ये दुनिया है और ये इंडिया है और ये अमृतसर है और आप यहाँ कॉर्नर पे फेमस हो, जो आप अपने आप को समझते हो ना कि मैं तो यहाँ पे स्टार हूँ, वहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आप इस जगह पे रहते हो, आपको और कोई नहीं जानता। गुस्सा तो बड़ा आया मुझे हमारे शहर में आकर हमारी बेइज्जती हाँ तो वो वैसे मेरा बहाना हो गया, बच्चा है ना, बच्चा क्या, वो आगे से मारेगा मेरे को, मैं कुछ मैं चुप और मैं ना मैं कह नहीं नहीं ये वो कहता चलो आपने नहीं करना तो पंजाब से और जो लोग जाएंगे अमृतसर से लाफ्टर चैलेंज में तो वो आपका कई मैटर ऐसे कर देंगे क्योंकि आप तो यहाँ पे बहुत फेमस हो, बाकी तो जो हैं लोग जाएंगे वो आपका मैटर कर देंगे, फिर घर पे बैठे आप देखोगे ये मैं भी मेरा है। जैसे अभी आपका हुआ वो कृष्णा का एपिसोड देखने के बाद जो आपको फील हुआ यहाँ पे जो हुआ तो करेंगे, मेरी बात थोड़ी मुझे समझ में आई है वो। फिर मैं घर चला गया, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने इतनी शर्तें रख दी, फिर मुझे पंकज जी का मतलब उन्होंने बात करवाई, पंकज जी जिन्होंने जो जिन्होंने क्रिएटर चैलेंज जिन्होंने बनाया बिल्कुल, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कहते भाई फोन पे भी क्या बात है ये वो, मैं कह सर ऐसे है मेरी ये हो जाएगा वो है, कहते ये आपका काम है, ये तो पब्लिक का काम है, आप क्यों सोचते हो फ्लॉप होंगे हिट होंगे ये दुनिया बताएगी। मैं कहा मैं तो मैं उनके सबके बीच में कैसे, मैं तो अलग रहूंगा, मेरा अलग होना चाहिए, मेरा मेरा जहाज में जाऊंगा, मेरा खाना अलग होना चाहिए, मेरे को मैं कहा मना कर देंगे कि ये तो पहले ही बड़ी दिखा रहा है। वो कहते कोई बात नहीं आ जाओ,
टैलेंट के लिए आओ, दिखाओ इधर, क्या हाँ तो okay. पैसा थोड़ी मिलना था यहाँ पे हाँ. तो फिर मुझे सबने कहा, बच्चों ने भी कहा जाओ. मैं फिर आ गया, आके मुझे अलग मतलब ये सारे अच्छा. मतलब उस वक्त कपिल शर्मा, अच्छा कपिल, चंदन प्रभाकर, ये सब, ये बड़ी रिस्पेक्ट मुझे पहले अमृतसर में बहुत प्यार करते थे मुझे, क्योंकि ये बड़े टैलेंटेड थे ये मुझे पता था. मतलब क्योंकि कपिल जब यूनिवर्सिटी में करता था या इन्होंने वहां भी काम किया तो ये छा जाते थे. चंदन, दूसरे सब, मतलब कमाल ठाकुर. तो वहां पर ना, यहाँ पर आकर होता तो है ना कि ये यंग लोग, इन्होंने करना तो मैं क्या करूँगा, मैं तो गाने गाने वाला बंदा, ये वो. मुझे अलग रख दिया, जब अलग रख दिया फिर मैं यहाँ पे खाना खाने आता था सबके, तो ये इनकी रौनक, ये वो एंजॉय कर रहे थे, पानी में नहा रहे सब एंजॉय, मैं वहाँ पे अकेले बैठा स्टार बन के. मुझे लगा ये गलत हो रहा है, मैं कहा इधर ही आ जाता हूँ. अच्छा तो फिर लाफ्टर चैलेंज में मुझे समझ ना आए मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. फिर वो पंकज जी बताओ क्या करोगे, मैंने ये करके इसमें नहीं और बताओ. फिर मैंने कहा मैं छोड़ दिया, मैं कहा सर मुझे कुछ नहीं पता चलता, आप ही बताओ. फिर उन्होंने मेरे टैलेंट से ही चीज़ें निकाल करके ये कहो तो ये हुआ. अब लाफ्टर चैलेंज का जो फाइनल होता है, मतलब तीन लोग खड़े होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें मैं भी खड़ा था. अच्छा, कपिल शर्मा, चंदन प्रभाकर, मैं, ओके. और वहां पे उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट आएगा उसको 10 लाख रुपए मिलेगा. ओहो, और जो वो तो मुझे पता था मुश्किल है, तो मुझे ना 5 लाख की थोड़ी उम्मीद थी सेकंड वाली. हाँ, ओके. तो भाई 5 लाख मिलेगा सेकंड को. हाँ. और जो थर्ड आएगा उसको मिलेगी ट्रॉफी. हाँ. तो मुझे को लगा ये फर्स्ट का तो मुझे पता नहीं है. हाँ. लेकिन सेकंड का हो सकता है मुझे, है ना. हाँ. तो मैं ऐसे खड़ा. अब उन्होंने अनाउंस जब करते है ना. हाँ. तो वो जो पटाखा नहीं, बूम, वो तीनों के लगा दिए उन्होंने. या तो आप एक का लगाओ ना जिसने फर्स्ट आना, किसी को दूसरों को कंफ्यूज करते हो. ओके. तो उन्होंने बोला सबसे पहले सेकंड रन अप. तो मुझे लगा सेकंड आ गया, वाह. तो मैं ऐसे करके हूं करके भी मिले 5 लाख. तो मतलब मुझे ट्रॉफी दे दी. तो मुझे पता नहीं था वो सेकंड रन अप क्या होता है. सेकेंड रनर अप जो होता है वो बेसिकली थर्ड होता है. हाँ, तो ये तो मुझे तो सेकंड की आवाज आई ना, मुझे इंग्लिश की प्रॉब्लम शुरू कर रही है. तो वो ना जैसे ऐसे किया ना, तो ऐसे ट्रॉफी दी. थोड़ा सा अपने आप को मैं कंट्रोल करते. हाँ, मतलब उसके बाद उन्होंने बोला फिर इसको चंदन को तो जो सेकंड होता है उसके लिए कुछ इंग्लिश बोली, तो उसको मिला वो चेक ऐसे करके. तो उस वक्त अंदर से ये चल रहा होता है कि अपना तो काम खराब हो गया, लेकिन फिर भी ऊपर से कर रहा है, जफ्फी भी डालता है बंदा, है ना. फिर उसके बाद फिर तो वो तीसरा रह गया, वो तो था ही. हाँ. उसको था, बोल के वो जीता. लेकिन उस वक्त मैंने कपिल शर्मा, जिसको मैं सोचता था कि यार पंजाब से हैं, बच्चे हैं ना, मतलब मैं तो फेमस ये वो. लेकिन क्या होता है भाई, जिन्होंने कुछ बनना होता है ना आगे जाके, उनके अंदर ना एक चीज होती है, एक ठहराव होता है. इतना बड़ा लाफ्टर चैलेंज का विनर बन गया, पैसा वो अपना आराम से खड़ा है, उसको कोई है ही नहीं वहां पे. मैंने जो चीज देखी, नहीं तो हालांकि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, ये वो हो सकता है मैं भी हिल जाता. लेकिन होता ना कुछ भी नहीं है, शांत. तो आज वो इसीलिए और कपिल शर्मा आज भी मैंने उसका शो किया है, वो मुझे वैसे ही मिलता है कि जैसे वैसे पहले इज्जत करता था, आज भी मेरी वैसे इज्जत करता है, सारे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत, मतलब. लेकिन वहां पे एक चीज मैंने और देखी. ये सबको देखना चाहिए जब भी कंपटीशन हो, जितने भी कंपटीशन करते हैं, जो विनर आने वाले होते हैं या कुछ भी, आपको बता दूं. हाँ. उस स्टेज पे ना लोग आए पहले. हाँ. जैसे अभी होना है, आज फाइनल है. हाँ. तो आते ना ऑडियंस में से भी कई फूल लेके, कई माला लेके, कई प्यार, सर हम तो रात की दुआएं कर रहे हैं आप ही जीतेंगे, मतलब आपसे हाँ. इतना प्यार करते हैं ये वो सब. क्योंकि जब तक फर्स्ट कोई नहीं आया, हम तीनों ही फर्स्ट थे. और उसके बाद हाँ, वो जो इज्जत मिल रही थी, मुझे लगा कि ये अभी ना 3-4 घंटे फाइनल ना ही आए. जो मुझे माला दे रहे थे वो भी आके, मैं सोच रहा मेरे को आके बोलेंगे, फिर वो आके करते भी है ना. कोई नहीं लरी साहब, कोई बात नहीं. मुझे उनको ये कहना चाहिए कि लरी साहब कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये छोटी मोटी एक आध नंबर से होता है, ऐसा बोल दो. बोले डायरी साहब कोई बात नहीं, मेहनत करो. वो चीज लाओ, आपने थोड़ा सा मैटर में गड़बड़ की, वो जो अच्छा वो कमियां निकाल. अच्छा, तो वो चीज का मैंने देखा कि यार नहीं. हाँ.
मेहनत करो। और यहाँ पे मैंने ये सीखा, ये कभी ना सोचो कि कोई नया है, छोटा है, बड़ा, कौन अंदर क्या छुपा हुआ है किसी के, कुछ नहीं ऐसा। तो आज वो कपिल शर्मा है, ये मेरी होगी चापलूसी। क्या ये शो भी तो करना है लेकिन ये सच है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन यार सुदेश जी, लावटे 40 की अगर मैं बात करूं, मुझे उसमें एक चीज, एज अ फैन मैंने वो देखा है शो, और मैं बहुत मतलब फैन रहा हूँ आपका, और मैंने देखा था आपने जो म्यूजिकल कॉमेडी करी थी वो एक नई चीज आई थी, वो बहुत कमाल थी। क्योंकि मुझे आती वही थी और वहां पर भी कपिल ने हरा दिया, क्योंकि ये गा भी लेता है। अच्छा। मुझे लगा कि मेरे अंदर ये था कि चलो कुछ नहीं होगा तो गाने तो अपन गाने गा के कर लेंगे। हाँ। और ये गाने भी गा लेता है, तो फिर तो मतलब गड़बड़, बहुत काम खराब। तो वहां पर मैंने फिर गाने गा के दिखाए, तो फिर पंकज जी ने मुझे कहा कि वो जगजीत सिंह का जो मैंने करके दिखाया, और वो कमाल। तो सर मैं, मेरी रिक्वेस्ट प्लीज, अगर आप, तो वो होता क्या है, मैंने वो ऐसा माहौल बनाया कि जैसे जगजीत सिंह जो वो गजल गायक रहे हैं। हाँ। वो उनके हम सब मतलब फैन है, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, ये सच है। तो वो मान लो कि स्टेज पे आए हैं, अब लोग जो है, आपको पता है ऑडियंस जो है कहाँ सुनती है अच्छी चीजें, बड़ा मुश्किल होता है। वहां पर अपनी अपनी फरमाइशें कर रहे हैं, वो जगजीत सिंह जी स्टेज पे आके बैठे हैं, एक आध बंदा तो होता है ना जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। वो आ तो गए, कितने आएंगे सर, शुरू करो। ये बदतमीज, इसको हटाओ यार, बाहर निकालो, क्या कर रहे हैं। होठों से होठों से छूलो तुम। आपके अपने ऑर्डरिंग शुरू है लोगों के, सर शुरू करो प्लीज। ये ऐसे नहीं गा पाएंगे, इसको हटाओ। किसी ने आके समझाया, अरे भाई जगजीत सिंह जी गा रहे हैं, चुपचाप आराम से बैठा, सर इनको अकल नहीं है, आप गाइए कोई अच्छा, वो गाइए गड्ढे थे ना चढ़ दी, गड्ढे थे ना चढ़ दी, बोलो तारा जो मतलब जो मेन है, सुनो। वो पैसे लिए होते हैं, वो गा रहे हैं, गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो, गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे हो, इस उम्र में तारारारा करा रहे हो, इस उम्र में तारारारा करा रहे हो। किसी और ने, यार ये क्या कर रहे हैं आप, आपको पता है कि नहीं वो गजल गाने वाले लोग अब क्या बीच में कैसी चीज कर रहे हो। सर छोड़ो, आप वो सुनाइए जो फैमिली बैठी, बच्चे बैठे, आप कोई है, क्या मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग कर ली, प्लीज ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ, वो फिर फंस के पैसा लिए ना। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, वो झंडू तेरे लिए मुन्नी। दूसरा आया, ओ क्या हो रहा है, आपको अकल है कि नहीं, कोई बोल तारा रा, कोई कहता मुन्नी बदनाम, ओ आपको कुछ दिमाग है कि नहीं आपका, जगजीत सिंह जी हैं। सर मैं माफी मांगता हूं, आप वो करो जो इस माहौल के मुताबिक हो प्लीज। हाँ ऐसे होने चाहिए लोग, आप वो बड़क मारो। ये बढ़ क्या, और दुर्वा अब दुर्वा भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्लासिकल सिंगर क्या करें, कर रहे हैं दुर्वा 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 दुर्वा, चक दे टोलिया, नप दे किली, ताली बजाओ। सर हमारे यहाँ ये प्रथा है, जब भी कमाल होता है ये मालाएं जो है अपने आप गले में आ जाती है। क्या मतलब, देखो जगजीत सिंह जी मेरी जिंदगी में एक ऐसे कलाकार हैं कि जब भी उनकी मैं कॉपी कर, वैसे उनकी कॉपी कौन कर सकता है, लेकिन जब मैं उनको ऐसा बोलता हूँ, उनके गाने वाने बनाता हूँ, तो लोगों का बड़ा प्यार मिला मेरे लिए, ये रिस्पेक्ट मतलब बिल्कुल। जगजीत जी वी लव यू, और हम जगजीत जी को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसे कलाकार हैं जो उनको बिल्कुल जीवित भी रखते हैं, यू नो, प्यार के जरिए। बहुत बहुत बढ़िया सुधीर जी, आप चाहें आराम से इसको उतार के रख दीजिए, शांति से बैठे। वैसे गाने की अगर बातें हो रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि सुदेश जी, आपकी जो बेटी है वो भी बहुत कमाल का गाती है, ये बात मैं बता दूं, बहुत बहुत सुरीला गाती है। अरे सर वो इंडियन आइडल में पहले नंबर पे आई है। क्या बात कर रहे हैं,
नहीं नहीं मैं इस शो में आगे झूठ नहीं बोल रहा, आपने पहले बोला था, आपने बोला था ना अपने दिल की बातें सच्ची, तो यही एक भड़ास निकालने का मौका। हाँ नहीं वो उसको पता है कि कुछ होना नहीं, तो वो आ गई, वो बड़ी समझदार है। लेकिन ये है कि आज उसने ऐसी मेहनत की है जी। अभी कहते हैं ना कि मेहनत के कुछ जब ठोकर लगती है हाँ। तभी बंदे को समझ आती है। बिल्कुल। और आज नेहा कक्कड़ से भी आगे निकल गई है। नेहा कक्कड़ से आगे निकल गई, वो गाड़ी में जाती है फंस जाती है कहीं, ये साइकिल पे ऐसे से निकल जाए। मतलब बहुत कृपा है। क्या बात है। लेकिन वो सीख रही है बहुत अच्छा, लेकिन बड़ी कृपा है, मजाक अपनी जगह हाँ। उनको भी कभी मौका दीजिए प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं चाहूंगा वो आए यहाँ पर एंड मैं पर्सनली उनको बुलाऊंगा यहाँ हाँ। पर लेकिन सुधीर जी आपकी शादी जो है वो करीबन क्या 16-17 साल की उम्र में हुई? हाँ 17 साल की उम्र में हुई थी। और घर में भी आप ऐसी बातें करते रहते हैं अपनी वाइफ से? नहीं करने नहीं देते जी, अभी छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए मारते हैं। तो घर पे ऐसे मजाक आपको अलाउड नहीं है? नहीं 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 अलाउड नहीं, मतलब कभी कभी बच्चे गए हो अकेली हो बिल्लो फिर कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा तब अकेले मजाक नहीं, नहीं उसको फिर समझ भी नहीं आती ना, मतलब जैसे मतलब मेरी इंग्लिश तो बेटा घर की है, उसको बिल्कुल नहीं आती। तो मैं फिर इंग्लिश में बड़ास निकालता हूँ। आई हेट यू। तो यू आर मोंकन, मोंकी कहना नहीं आता ना मुझे, मोंकन कुछ भी बोलो तो कुछ हो जाती है। अच्छा वैसे आपकी लव मैरिज रही थी? हेट मैरिज। आपने पहले बोला यहाँ आके जो बोलना सच बोला, यहाँ मुझे बोलते ना। उन्होंने बोला हेट मैरिज कैसे होती है? लव मैरिज कैसे होती है आप बताओ भाई, मतलब अपनी बताओ। हाँ भाई मेरी लव मैरिज है, हमने एक दूसरे को देखा, हमें प्यार हुआ। हाँ तो मुझे नहीं हुआ। जो झूठ के बोलना, जो नहीं हुआ हेट मैरिज हुई ना मैं, पर लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ हेट मैरिज। तो प्यार नहीं हुआ और आपने कहा चलो शादी कर लो? हाँ मैंने शादी, एक्चुअली क्या हुआ कि कई बार हेट मैरिज भी जो है ना जी, वो बड़ी अच्छी रहती है जैसे मेरी रही जी, क्योंकि वो उस जमाने में समझो फ्री में मिल गई। अभी आज की डेट में कितने खर्चे हैं आपको पता होगा। हाँ ये तो है, अगर सुंदर लेनी है तो फिर खर्चे मेकअप ये हो है ना, उनको कितना भी कर ले असर तो होना नहीं। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत छोटा था, तो मेरे को बोलते थे कि शादी कर लो जल्दी कर लो ये कर लो, क्योंकि मैं ऑर्केस्ट्रेट करता हूँ, उनको था कहीं होता ना कि कहीं बाहर ही ना ऐसे कर ले, बहक ना जाए कहीं गलत कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो हमारी रिश्तेदारी में था, तो मैंने बोला कि एक दिन मैं तंग आ गया था भाई, मैं चलो करना है तो अभी करो हाँ। मुझे खत्म करो काम। तो मैं कहा अभी करने करो नहीं तो मैं नहीं करानी। तो वो मेरी ये वाइफ है किसी शादी में गई हुई थी, तो हाँ। उनको वहां से ले आए, सचमुच में संडे का दिन था। अच्छा अभी? हाँ अभी कहते करो। तो मेरे को भी ले गए वहां पे, मंदिर है हमारे तो वहां पे बुलाया, वहां पे ऐसे ही फेरे किए, कोई भी नहीं, आपस में ही 3-4 लोग जो उनके ये वो, शादी हो गई और घर पे हम आ गए, तब से बेड़ा गर्क जो मतलब हुआ है। तो सर आप लोगों की शादी में ऑर्केस्ट्रा में गाते थे, तो अपनी शादी में खुद ही गाया आपने? नहीं नहीं तब तो मतलब ये होता था ना कि लोगों की शादी में हाँ। जब जाते थे तो खुशी होती थी लोगों की वाइफ को देखो, बड़ी सुंदर सुंदर बैठे थे जोड़े है ना हाँ। तो उनको लेके बंदा गाने गुने गा के अपनी भी खुशी कर लेता है हाँ। अब यहाँ आके पता रोता है मतलब यानी कि हाँ, इसको जब मैं स्टेज पे जाता था तो इसको याद बहुत करता था। क्यों? जब भी कोई सैड सॉन्ग गाता था इसकी फोटो लगाता था सामने। मुझे गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं, तो इसकी फोटो उसमें परफॉर्मेंस मेरी बड़ी अच्छी होती थी। ओ आपने बोला सच बोलना है, मैं इसलिए सर आपने सच तो बोल दिया, घर जाके क्या होगा वो अब आप ही जाने। घर में क्या होना है, मैं मतलब ये नहीं आराम से जाके मार खा के सो जाना। आपने इतनी चक्कर बढ़ते नहीं। बाप रे बाप, ये बात तो बड़ी क्लियर है, मतलब बड़ी क्लियर है, क्योंकि मार खा के आपने घर पे क्लेश थोड़ी डालना है, छोटी छोटी बात के लिए, एक दो जूतों के लिए मैं पंगा थोड़ी डाल दूंगा, ये नहीं खाना वो खाऊंगा, पहले तुम मारो बेटी, तुम बेटे बात जो मर्जी अपना आराम से मारो अपना आराम से। इसी चक्कर देखो ये एक मैसेज भी है, लड़ाई झगड़ों से अगर दूर रहना है हाँ। तो एक ने कही दूसरे हाँ। ने मानी, दोनों ज्ञान, मतलब यानी कि चुपचाप समझो और क्लेश नहीं है इसमें, क्लेश दिए अपनी इज्जत भी तो अपने हाथ में है ना हाँ। कौन बाहर का मार के दिखाए। अपनी फैमिली मारे ना, यही तो एकता है हाँ, हमारे घर में एकता है, जब मारते सारे मिलके। कोई ये नहीं है कि एक ने मारा दूसरा उधर अपना टीवी देख रहा ना, नहीं सारे एक आया सब आ जाते। कहाँ है पापा, बाहर खा रहे हैं।
ओह मेरे भाई कितनी खुशी होती ना आपको भी एक बनना है। मजा आ गया। वैसे अगर मार खाने की बात करें तो अभी मुझे एकदम से याद आता है, आपने मुझे बताया आपको पंजाब में एक बार थप्पड़ पड़ा था, है ना, जहां से लाइफ बदल गई। एक और थप्पड़ पड़ा जहां से आई थिंक टेलीविजन की लाइफ और सुहानी हो गई। वो थप्पड़ था कृष्णा कृष्णा और आपके बीच में जो होता था, यू नो मैंने भी कॉमेडी सर्विस किया है और मैं बता रहा हूँ एज अ फैन बैठ के, बिकॉज आपको याद है कई बार एक्ट होते थे हम अपना तैयार करने चले जाते थे और दूसरे का एक्ट होता था, बट मैं कहता था मैं मुझे तो पूरा याद है जब आप बाहर बैठे मैं सड़ता रहता देख के, मेरे अंदर से बड़ा मुझे आपको और कृष्णा को देखकर भगवान की कृपा इतनी जल्दी शुरू हो गई। पता क्या मतलब, ये नहीं कि यार ये मैं सोचता था जो कॉमेडियन होते हैं वो हमारी तरह ऐसे ही होते हैं, ये क्या सुंदर भी और ऊपर से कॉमेडियन भी, पेमेंट भी ज्यादा और मुझे आने वाला भविष्य भी आपका दिखता था जो ज्यादा जैसी ये फिल्मों में भी जाएगा ये बड़े बड़े एक्टरों के साथ, और मुझे अपना वही आता था ये बस इधर ही रहेगा मार खाता रहेगा कृष्णा से। लेकिन चलो मजाक अपनी जगह, ये सच है कि कृष्णा के साथ चाहे मुझे वो थप्पड़ था या कुछ भी था लेकिन मेरी वाकई लाइफ बना दी। हाँ। अगर वो थप्पड़ नहीं मारता हाँ। तो उसकी रोटी कैसे चलती। ये सच है। ये पहली बार थप्पड़ कब पड़ा था, क्या हुआ था? मैं आपको बताता हूँ कृष्णा क्या करता था कि स्टेज पे ना मतलब जैसे मैं डायलॉग भूल जाता था, है ना, वो मैं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं याद रहता, मैं अपना जो भी मन में हो ऐसे याद करके मैं मुझे जब भूल जाता था तो ये अबे साले था तो लोग हंस पड़े जब इसने थप्पड़ मार दिया। अब लोग हंसे तो इसको लगा यही कॉमेडी। ये घर पे फोन कर रहा है, कैश मुझे कॉमेडी करनी आ गई। इसको लगा यही कॉमेडी है और आज तक वही कर रहा है। तो मुझे थप्पड़ मारा एक बार, चलो कोई बात नहीं, है ना, तो घर जाके भी मतलब अरे वो उस कृष्णा ने आपको थप्पड़ मारा, नहीं वो ऐसे ही होता है ये वो। अब रोज रोज कितने बहाने लगाऊं मैं, रोज थप्पड़ रोग लो भी है ना सर, थप्पड़ कैसे पड़ते हैं, मतलब मेरी ये बना इमेज बन गई थी। हाँ, फिर मैंने इसको बोला, मैं क्या कृष्णा जब तू तो थप्पड़ मारता है ना थोड़े दूर से मार लिया, अरे सर ओरिजिनल, आप आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल ऐसे क्या बात कर रहे हो आप, थप्पड़ वो ही तो हमारी कैडेंटिटी है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी है, और मुझे समझ नहीं आती आइडेंटिटी क्या बोलता है, कैडेंटिटी मुझे नहीं समझ, आइडेंटिटी हाँ वो है। तो मतलब मैं क्या ठीक है यार होगा इंग्लिश में कोई, है ना, तो मेरा मुंह ऐसे लाल हो जाना स्टेज पे मार मार के, तो मैं बाहर ऐसे हंसना, अब कितनी देर हंसे नहीं जाता, अरे सर कमाल कर दिया, कमाल क्या, मैं मार खा के ये कमाल, ये कॉमेडी हो रही है। चलो पैसे आ रहे थे, जरूरत थी, मेरी भी जरूरत थी, उसकी भी थी, तैसे करते करते फिर मैंने इसको बोला कि जब तू थप्पड़ मारता है ना तो प्लीज मुझे पहले बता दिया कर कि यहाँ पे थप्पड़ मारूंगा उधर से मारेगा तो मैं यूं करूंगा, थोड़ी एक्टिंग हो जाएगी, कैनिविटी अपनी आइडेंटिटी वो है। चलो मैं कह जो अब अगर तूने मारा, मैं कह तेरा तो पता चल जाता है मुझे, अबे साले मुझे पता चल जाएगा मारेगा, मैं खा लूंगा तेरे को, मैं ऑफ रिदम मारूंगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि अब थप्पड़ पड़ने वाला, मैं यही कहूंगा ये मैंने देखा है लाइव। हाँ मैं फिर ऐसे कहूंगा कृष्णा एक मैं थोड़ी बोलूंगा अबे, तो पीछे हट जाएगा तो फिर वो समझा नहीं मैं कोई बात नहीं फिर इसके बाद उसने थप्पड़ मारा, मैं क्या सर क्या करे, थप्पड़ उसको पड़ा, मुझे ये थप्पड़ याद है और मुझे ये भी याद है कृष्णा ने ना एक बूंदा पहना हुआ था यहाँ पे, सुदेश जी इसने थप्पड़ मारा, सुदेश जी हंसते हंसते और रख के मारा इसको, कृष्णा का बूंदा निकला और कृष्णा मुझे याद है करता ऐसे क्या बात है मुझे वो उसकी जगह तो फिर उसके बाद मुझे आया कहता कैंडिटी वेंटी गई भाड़ में, हम थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं, हाँ आप थप्पड़ में सेटिंग आ गए फिर उसने मतलब बहुत कम किया हाँ। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, आप सीनियर है, मैं अब तेरे को पता चला मैं सीनियर हूँ क्या बात। लेकिन ये है, ये भी सच्चाई, जहाँ पे सच्चाई है जो हाँ। किसी में होती हैं चीजें जो सच्चाई है कि उसने मेरा काफी यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया कि सर आप ऐसे रहा करो,
ऐसे पेमेंट मांगनी है, थोड़ा ऐसे स्टाइल रखना है, थोड़ा सा लेट आना है, अच्छा हाँ थोड़ा लेट आना है, थोड़ा ये करना है, थोड़ा स्टाइल में रहना है। उस चक्कर में मुझे गालियां पड़ी भी, तू क्यों लेट आया, कृष्णा तो स्टार है तो उसमें भी उसकी चाल होती है। नहीं जस्ट किडिंग कृष्णा, मजाक कर रहा हूँ। एक बात माननी पड़ेगी, आपने और कृष्णा ने जो किया है ना, वो आई थिंक यू पीपल हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, और आई थिंक वो जोड़ी कोई रिपीट नहीं कर सकता सर, आप दोनों जो करते हो ना। वैसे यार मजा बहुत आ रहा है सुदेश जी, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड ट्रस्ट मी आई एम सो हैप्पी दैट यू कुड मेक इट टू माय स्टूडियो टुडे, आई एम रियली रियली थ्रिल्ड, यू मस्ट बी थ्रिल्ड राइट। बात बहुत अच्छी लगी आपकी, लेकिन हिंदी में करेंगे मुझे बहुत अच्छी लगेगी, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। नहीं मतलब मैं हिंदी में बोल दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। वो नहीं बोली आप हिंदी में, पता क्यों? देखो मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ पर मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि शो आपका है, मैं चाहता हूँ सारा स्टैंडर्ड जो है आपका बने। मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे यार सुदेश अच्छा। तो ये एंकर होना चाहिए यहाँ पे, मेन शो इसका होना चाहिए। मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हैं आप? हाँ, वो तो डेफिनेटली। लेट्स हैव कॉन्वर्सेशन देन, ऑलराइट? वो क्या मतलब, इंग्लिश में बात कर ले? हाँ, करो करो करो, नो प्रॉब्लम। मैं जवाब देने में, बोलने का थोड़ा दिक्कत है, जवाब दे सकते। अच्छा जवाब दे सकते हैं, ओके। सो आई लाइक टू आस्क यू सुदेश जी, हाउ वाज द फर्स्ट डे व्हेन यू लैंडेड इन मुंबई, हाउ आर यू फीलिंग? माय सन रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई वेल टू यू दिस इवनिंग, really very thankful to you. No, I am asking you something else, you are saying something else. Oh, without the help of a perfect master you can't attain solution. No, but my questions are different sir, you are saying anything you feel. Ladies and gentlemen, today we are here to talk about our new show, podcast. सर पॉडकास्ट, आउटकास्ट, पॉडकास्ट। अब मैं ये चेक कर रहा था आपको आती है कि या ऐसे ही बैठे हुए थे। नहीं नहीं भाई, जिसका काम उसी को साझे, मेरा वही ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है जी? अरे क्या बात है। लेकिन सर एक बात बताइए, इंग्लिश की जो दिक्कत है, इसमें एक्चुअल रियल लाइफ में दिक्कत होती होगी? बिकॉज एयरपोर्ट जाना है, इतना इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, इमिग्रेशन है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंग्लिश में होती होती। मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी चीजों में, जैसे मैं नया नया जब थोड़ा नाम हुआ तो पेमेंट मांगने, पहले तो था ना 5,000 दूंगा, है ना 10,000 है, तो अब थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड हो गया, तो 50,000 पेमेंट हो गई जब लाफ्टर चैलेंज से हम अमृतसर में गए। ओके, उस वक्त की बात है। तो मैंने फोन पे बात की, तो अब मैनेजर वगैरह होते नहीं थे, हमें क्या पता था ये भी चीजें होती हैं स्टैंडर्ड के लिए। मैं क्या 15,000, तो अब 15,000 हो गया होगा, पता नहीं 15 का टी का होगा कोई पंगा, 50 बोलना था 15, हाँ वो ऐसा कुछ हो गया, मुझे अभी तक नहीं पता, वैसे 15 बोला मैंने, 15 हो गया ना, 15 $15। तो शो खत्म हुआ, 15,000 रुपया दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप इतनी कम पेमेंट में और आपने कमाल कर दिया। मैं क्या 50,000 दो ना, कहते आपने बोला था 15, तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं क्या मैं क्या बहस करूंगा, मैंने सोचा नहीं 15 ठीक है, लेकिन ये नहीं बताना मुझे इंग्लिश नहीं आती। फिर उसके बाद भी कई चीजें, जैसे एयरपोर्ट पे जैसे हुआ, ऐसे मैं खड़ा था तो दिल्ली शो था, तो वहां पर एक सिंगर था यहाँ पे, बहुत बड़ा सिंगर कोई, तो मैंने मिल गया, मैं क्या हेलो सर, वो भी कॉमेडी सर्कस वगैरह, उस वक्त हमारा नाम हो गया, पहचान हो गई। मैं क्या कहाँ, कहते दिल्ली, मैं क्या मैं भी दिल्ली, अरे वाह, मैं उस वक्त हम जाते रहते हैं, मैं क्या इकट्ठे बैठेंगे प्लेन में, तो उसको लगा होगा कि यार मेरी तो बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक होगी, दिखाया है अपना बोर्डिंग, मैं दिखाया, मैं ऐसे ही देखा होगा सीट सा कहाँ पे, कहता है एक्चुअली मेरी बिजनेस क्लास है। हाँ। तो मुझे नहीं पता बिजनेस क्लास क्या होती है, मैं क्या वो मेरे वाकिफ है काउंटर पे, मैं आपकी भी अपने जैसी करवा दूंगा बोल के, वो कोई चक्कर, मुझे लगा कि मेरी बड़ी है। फिर वो अंदर चले गए, वो बिजनेस वालों को पहले ले लेते हैं अंदर, तो दूसरे बाद में, तो मेरे को समझ नहीं, तो जब मैं अंदर गया ना तो बड़ी सीट पे जो है ना, तो वो आगे बैठा हुआ था, तो मुझे समझ आया अच्छा ये वाले अमीर लोग होते हैं। फिर मुझे कहता मिलते हैं, फिर वो जब स्टैंडर्ड होता हम लोग कहते हैं तो वो ये यही करते हैं हल्का सा एक्चुअली। तो मैं समझ गया कि अमीर, पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था नया नया भी, मुझे फिर भी लगा कि जो पहले पहुंच जाता है ना वो बड़ी सीट पे बैठ जाता है। बस थोड़ी है सर फर्स्ट का फर्स्ट। तो ऐसे नहीं, ये चीजें थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बताया ना, फिर समझ आती है भी ये चीजें धीरे धीरे, फिर लेकिन मजा पाजी पीछे ही आता है, आगे बैठे रहते हैं करके। जैसे कैप्टन भी कभी कभी जो आते हैं ना जहाज चलाने, वो भी उनको भी बच गए तो तेरी जिम्मेदारी, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी। एक्चुअल में लेकिन चलिए ये दिक्कतें तो होती है, लेकिन सर ये जो मुंबई शहर है हमारा जहाँ पे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इस शहर में
हर बंदा ना एक रेस में दौड़ रहा है, यू नो, किसी ना किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, खुद आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे सक्सेस जो है उसके अलग से यू नो पैमाने बन रखे हैं कि जिसकी सबसे लंबी गाड़ी होगी वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो फिर तो मैं ज्यादा हूं, मैं रेलगाड़ी में रहता हूँ। ये सच है, ये तो मैंने देखा है। यानी कि जैसे हम शो पे जाते हैं ना, तो वो बाहर खड़े होते हैं ना, जैसे हम वैन में, हाँ। तो वो जब आर्टिस्ट आते हैं, जैसे हाँ। कपिल शर्मा शो में आर्टिस्ट हाँ। या कॉमेडी बड़े बड़े सुपर, तो वो यही बात होते हैं, कौन सी गाड़ी में आया, कौन सी गाड़ी में आया। अरे कई तो, अरे वो बहुत बड़ा, मैं क्या, मैं तो इनको जानता भी नहीं, कौन है ये हाँ। अरे मर्सिडीज लंबी वाली हाँ। तो मैं क्या, अच्छा आर्टिस्ट गाड़ी, गाड़ी। मतलब यानी कि बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट वहां पे मैंने देखे हैं, जो उनके पास नहीं है कई बार हाँ। वो छोटी गाड़ी में या टैक्सी हाँ। में भी आते हैं, हम देते यार, हम फैन है, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है यार, उसमें आप नाप तोल मत करो। क्या बात कही है सर, ये बिल्कुल सही बात है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, उसकी कला को प्यार करो, उसकी गाड़ी को, जैसे आपने मुझे किया। हाँ सर ये कमाल है। नहीं वैसे बता दें, ये झूठ बोलते रहते हैं, चार पांच गाड़ियां रखी हैं। लेकिन एक एक सच है कि जब मैं अमृतसर से हम आए थे, तो तब बहुत ही गरीबी के हालात, मतलब मेरे 1500-1600 रुपया मेरी जेब में होगा, आज भगवान की कृपा से 2 करोड़ का कर्जा है। यार क्या करे, कृष्णा ने फंसाया, ये ले लो, घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, मैं लोन लेके फंसा हूं अभी। खुद काम कर रहा हूं। अच्छा एक चीज बताऊं हाँ। ये लोन लेना बड़ी अच्छी बात भी है। कैसे? क्योंकि जैसे हम लोन लेके घर ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं हाँ। एक तरह से नहीं भी लेना चाहिए, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, इसमें घमंड नहीं आता, बंदे को काम करना पड़ता है यार, काम करेंगे पैसे आएंगे तो कर्जा, इसी बहाने में काम कर लेता, नहीं तो अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं नहीं करता, ऐसे करता है बंदा, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। पॉजिटिव साइड सर ने जो निकाल दिया, वैसे अगर आप पॉजिटिव साइड की बात करें, मैं चाहता हूं आप अगर ये सबको बोलेंगे ना तो सब सुनेंगे। क्या होता है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं सर जो शायद पढ़ लिख नहीं पा रहे, पैसे की कमी है, या उनका ध्यान नहीं है पढ़ाई लिखाई में, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके अंदर अलग कला है, पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं रोक देते हैं, कहीं उनका खुद का हौसला रुक जाता है। सर आप भी ऐसी एक बैकग्राउंड से आए हैं और आज टचवुड एक कमाल का नाम बनाया है, तो उन लोगों को अगर आप कुछ भी कहना चाहें, एक हौसला अगर आपकी तरफ से आए। मैं खुद, मुझे लोगों ने बड़े हौसले दिए हैं, तभी मैं ये कर पाया हूँ हाँ। क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गया। एक होता है नर्सरी केजी, ये वो पढ़ा होगा कुछ तो पढ़ा, क्योंकि यहाँ मुंबई में आके मैंने देखा कई लोग कहते हैं अरे बेटा तो मतलब पढ़ लिख नहीं सका, तो मैं कह कितना, ये तो 12वीं में हट गया था, वो 12वीं क्लास को हट तो गया, वहाँ पे हमारे स्टार होते हैं जो 10वीं पास होते हैं हाँ। है ना, तो मैं तो सोचा कि मैं क्या हूँ फिर, बिल्कुल ही, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, मैंने स्कूल देखा नहीं। मैं अभी ये भी कहता हूँ, कभी कोई मतलब मुझे बोले कि आप इस स्कूल में कभी पढ़े थे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मुझे कोई स्कूल मैंने कभी नहीं देखा, और मुझे बड़ा मिस करता हूँ उस चीज़ को, जब मैं बच्चों को देखता हूँ ऐसे स्कूल में वर्दी पहन के, मेरे को बड़ा दिल करता है। एक बार ऐसा हुआ था, ये सच है, कृष्णा और मैं कोई ऐड कर रहे थे बच्चे बन के, तो वहाँ जाकर मैंने स्कूल देखा था, यानी कि वो सचमुच में कोई स्कूल था, यहाँ पे ऐड करनी थी, तो हम बच्चे बने हुए, तो मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, मैं पूछ रहा था बच्चों, क्योंकि बच्चे असली में, कि ये क्या होता है, ये क्या चीज, वो जो ब्लैक बोर्ड जो हाँ, ब्लैक बोर्ड हाँ। तो इस ये कैसे, मतलब मेरा दिल कर रहा था, मैं यार मतलब वो चीज़ नहीं मिली, मिस कर गए, नहीं मिली, दो चीज़ें नहीं मिली, एक पढ़ाई नहीं मिली, स्कूल नहीं मिला, एक वो घोड़ी नहीं मिली शादी वाली, घोड़ी पे नहीं बैठा ना हाँ। ऐसे ही हो गया था, हेट मैंने बताया। तो दो चीजें जो है मैं बड़ी मिस करता हूँ, जब भी मैं किसी घोड़े पे बैठा होता, शादी हाँ। होती, तो मैं घोड़ी क्यों नहीं है, फिर मैं सोच लेता इसका भी बेड़ा गर्क होना चाहिए, फिर मैं अपने मन को थोड़ा सा मैं तसल्ली हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तो फिर। लेकिन ये सच है कि जो आपने बोला है, पढ़ाई बड़ी जरूरी है, ये मैं सबको कहता हूँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत मिस करता हूँ, बड़ी कमी महसूस करता हूँ कि पढ़ा होता मैं तो शायद कोई और चीज़ें भी मैं अच्छी कर लेता। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये भी है कि जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं पाते, हाथ पांव नहीं होते, वो बुलंदियों तक पहुंचे, मैंने ऐसी ऐसी वीडियो देखी लोगों की। सही बात है। हम तो बोल सकते हैं, कर सकते, क्यों नहीं। मैं अमेरिका जब पहली बार गया था, तो वहाँ पर अंग्रेज जो वहाँ पे तो जा रहे, मैं उनकी साइड पे बैठा, तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं कह यार इनसे प्रैक्टिस करते, मैंने उनसे प्रैक्टिस की थी, मैं कह इफ़ यू डोंट माइंड आई डोंट नो इंग्लिश प्लीज हेल्प मी, ये मैं सीखे गया था 3 लाइनें। अच्छा। वो कहता हो नो प्रॉब्लम, तो उसको मैं जोक सुना रहा था इंग्लिश में अपने आप ही, वन आई एम, वो एंजॉय कर रहा था बंदा, ये वो मजाक नहीं उड़ाते हाँ। यहाँ पे तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है हाँ। है ना, हम थोड़ा सा बोल दे कुछ ऐसा, तो एब्सोल्यूट राइट,
एप्स नहीं, एप्स रूट राइट। तो हाँ, यहाँ पर मजाक उड़ाते, मजाक ना उड़ाओ, कोई बंदा कर रहा है करने दो, कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर बंदा नहाता नहाता गिर गया तो नहाना थोड़ी छोड़ देगा, अगर गलत बोलेगा तो ठीक बोलेगा। हाँ, लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं उनमें अगर कोई टैलेंट है, कोई सिंगर है, डांसर है, या कोई भी टैलेंट है, जरूरी नहीं कि इस लाइन का हो, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ये तो कुछ चीज़ों में है कि पढ़ाई जरूरी है, डिग्रियां हैं, लेकिन जो आर्ट है, जो टैलेंट है, उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं। उसमें आपका टैलेंट चाहिए, अपनी मेहनत चाहिए, और आप करते रहो, किसी की परवाह। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों को छोड़ो, हमने करना है और हम कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, बस आप कर सकते हो, यही सोचो बस। क्या बात कही है सर, क्या बात कही है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, आज बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स आपसे इंस्पायर हुए होंगे। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि आज ये मीटिंग, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बंद हो, ये जो इंटरव्यू, तो ये जो बात हो रही है सर, अब क्या करें। अब उन्होंने कहा, तो शेखर बैठा कहता 4 शो बुक हो गए हैं, तो फिर सर EMI भी तो भरनी है ना, तो उसको अपनी खुशी है, 10% लेता है। यहाँ और है, मिलना कुछ नहीं, निकलो। इसको लग रहा है अच्छा अच्छा यहाँ ना दे दे, वहां जाके करेंगे। अरे अपनी खुशी भी होती है। और मैं इसके बारे में बता दूं आपको, ये बॉडी बिल्डर है। हाँ, और इसको मैंने रखा हुआ है इसलिए कि मैं जा नहीं सकता जिम, तो मैं यही कर लेंगे। पैसे भी तो पूरे कर लें। तो ये जा जाके जिम कर लेते। लेकिन सर मेरे को एक आपसे वो रिक्वेस्ट है, आपका एक वो आप एक मिमिक करके दिखाते हैं, वो जो पेज पलटा गाना बदल गया, वो जो आप... वो पढ़ाई लिखाई की कमी मुझे आती है स्टेज पे। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ के कुछ बोलना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट तो नहीं बोली जाती। हाँ, तो मैं ऐसे पहले करता था कि गाना ऐसे लिख के रख लिया। हाँ, हल्का हल्का याद कर लिया हिंदी में, तो मैं कैसे करके पढ़ लूंगा, वो हवा से पन्ने पलट रहे हैं। करेक्ट, तो कैसे पंगे होते हैं। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे के चोली के पीछे क्या है, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे के चुनरी के नीचे। अच्छा है, मतलब हो जाती है चीजें। अच्छा, तो इसलिए याद करके बोलो जो भी बोलना है। मेरी ये फायदा भी हुआ है कि मैं याद कर लेता हूँ हर चीज। ये मैंने देखा था कॉमेडी सर्कस में भी, आप पूरी स्क्रिप्ट याद करते थे, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ते थे, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते थे, पूरा बैठ के पूरा याद कर लेते थे, और उसके बाद जो आप वहाँ पे वंडर और मैजिक क्रिएट। और कृष्णा जो है ये हमारी जोड़ी थी। अब मेरे को, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं याद करता, तो ये मेरी इज्जत के लिए ना ऐसे करता करता ना, मैं याद कर लूँ जरा, तो सोया हुआ था। अच्छा, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं याद कर रहा हूँ सर, मैं भी याद कर रहा हूँ, क्योंकि इसको तो ऐसे ही याद हो जाता है। ये मेरी इज्जत के लिए कि मैं भी याद कर रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस है। कृष्णा को बड़ी जल्दी याद होता है, बहुत ज्यादा, उसको सब याद होता है, कहाँ से पैसे लेने, किसी लड़की को कहाँ टाइम दिया है, सब याद होता है। क्या बात है सर, पर आज बोलना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, हमने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, मेरी पूरी टीम यहाँ पे है, और हम लोग यहाँ पे हम आंसू अक्सर निकल आते हैं, लेकिन हंस हंस के पहली बार हम इतना रोए हैं। एंड ऑल थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत उनसे धन्यवाद। बस इसी तरह आपकी बड़ी गाड़ियाँ और आपका वो 2 करोड़ का लोन बना रहे, कि जब भी मैं आपको कॉल करूं आप प्यार से मेरे पास। अरे मुझे बुलाते रहे, मुझे बहुत मजा आया, सच है, ये शो मेरा फेवरेट शो हो गया है, अगर मैं बार बार आता रहूं तो। थैंक यू, थैंक यू। वेल, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा, और अगर आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और देखते रहिए द मनीष पॉल पॉडकास्ट। लेकिन जाने से पहले भाई, आज का ज्ञान वो तो बनता है ना। देखिए, जो जीभ होती है ना, जीभ यानी जबान, जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन वो आपकी सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। इसीलिए अच्छा बोले, मीठा बोले, और जो भी बोले सोच समझ के बोले, लेकिन एक काम जरूर करें भाई, वो ये है कि देखते रहें द मनीष पॉल पॉडकास्ट।